हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश के सारे मंत्री महोदय जब भी सिरोही जिले के दौरे पर रहते हैं, एक ज्ञापन पशु एम्बुलेंस मुहैया करवाने हेतु तो अवश्य देकर भेजता हूँ। अभी आपको भी देकर भेजूंगा ताकि ये आपके भी ध्यान में रहे। मीना शिवपन सिरोही राजस्थान सरकार के मुख्य उप सचेतक सिरोही के नव नियुक्त प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी के शिवगंज कांग्रेस कार्यालय में आगमन पर ओम श्री गजानन सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीना ने पुष्पमाला द्वारा अभिनंदन किया। वहीं पशु एम्बुलेंस की कमी के चलते मंत्री जी को मामले से अवगत करवाते हुए पशु एम्बुलेंस मुहैया करवाने हेतु सौंपा ज्ञापन। सुनाई दर्द भरी दास्तान, कहा प्रदेश के जितने भी मंत्री सिरोही दौरे पर रहते हैं, एक ज्ञापन अवश्य देकर भेजता हूँ, आपको भी देने आया हूँ ताकि आपके भी ध्यान में रहे। सड़क दुर्घटना में सैकड़ों की तादाद में पशु घायल होते हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए ना तो सरकार के पास कोई व्यवस्था है ना ही टोल कंपनी के पास। ऐसे में गौ भक्तों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और निजी वाहन के सारे घायल पशुओं को गौशाला पहुंचाना पड़ रहा है। हमने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अवगत करवाया गया था। टोल कंपनी केंद्र सरकार के अधीन आती है, इसलिए राज्य सरकार के काम करने में काफी समय लग रहा है। पशु एम्बुलेंस मुहैया करवाने वाले मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाए, पशु एम्बुलेंस प्रदेश के टोल नाकों सहित पशु चिकित्सालय पर उपलब्ध करवाया जाए, घायल पशुओं को समय पर गौशाला नहीं पहुंचाया पाते, हम गौ भक्त मिलकर निजी वाहन के सारे उनको गौशाला पहुंचाकर उपचार करवाते हैं। समिति के बैनर तले और जिले के तमाम गौ भक्तों द्वारा गत वर्ष 2015 से लेकर हो रही है पशु एम्बुलेंस की मांग। बेजुबान पशु हितों में आप मददगार बने, टोल कंपनी के नियमों में संशोधन करवाते हुए फोर लेन हाईवे डिवाइडर के बीचों बीच गांव के आसपास लोहे की जाली की व्यवस्था, पशु एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाएं। जागरूक टीवी की पोसाले से कल्पना माली की रिपोर्ट।